अगर आपकी एज जो है वो 20 प्लस हो गई है फिर भी अपनी हाइट को आप इंक्रीज कर पाएंगे, और परेशान ना हो अगर आपके पापा मामा का कद छोटा है तब भी आप अपने कद को बड़ा कर सकते हैं, अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है आप? मैं भी ठीक। मुझे ना एक बंदा बार बार कमेंट कर रहा था, पता नहीं शायद एक बंदा या डिफरेंट बंदे इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि हाइट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो भाई हाइट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आज मैं। आज आपको गाइड करूंगा कि अगर आपकी एज कितनी ज्यादा क्यों नहीं होगी, हाँ वो 25 से कम होनी चाहिए, 25 से आपकी एज अगर कम है तो आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये चीज मानने में आई, और बिल्कुल आप आसानी अपनी हाइट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम अपनी हाइट को इंक्रीज करेंगे इसी के बारे में बात होगी, बट आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वीडियो बहुत स्पेशल हमारी है, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो देरी किस बात के, जल्द से सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे साथ बेल का आइकन आएगा, सिंपली अपने बेल पर क्लिक करना, ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा तो काइंडली आपने ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। सो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ी अपने बारे में बात करूंगा क्योंकि यार आप लोगों को के लिए ये भी चीज इंपॉर्टेंट होगी कि यार बंदा जो बता रहा है भाई खुद है कोई चीज। तो मेरी हाइट फिलहाल जो है वो भाई 5.11 या 6 है, 6 फीट मेरी हाइट है, एंड माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी हाइट है। मेडिकल साइंस ने जहां तक रिसर्च की है वो कहते हैं कि भाई आप 19 से 20 साल की उम्र तक आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, उसके चांस होते हैं, फिर उसके बाद कोई चांस नहीं होता। तो दूसरा जो हिकमत वगैरह वाले हैं वो नेचुरली चीजें जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी रिसर्च के मुताबिक 20 से 25 साल तक भी आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको नेचुरली चीजें बताऊंगा, जड़ी बूटियां बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। दूसरा, अपने हाइट को इंक्रीज करने के साथ साथ आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, अच्छा वेट गेन कर सकते हैं एंड एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों का मिक्सअप बनाना सिखाऊंगा, उस मिक्सचर को आपने यूज करना है भाई डेली बेसिस में, आपको गाइड करूंगा किस तरीके से यूज करना है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस मिक्सचर को बनाएंगे। तो चलिए पहले मिक्सचर बनाना सीख ले। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मिक्सचर बनाना सिखाऊंगा। सो जो आपको मैं चीजें बताऊंगा आपने नोट डाउन करनी है, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए जो आपके पास है, तो आपने इसको नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि शॉप पे जाना है और वहां पे जाके आपने लेने हैं चने, ठीक है, एंड उन चनों को भाई आपने सिंपली ये करना है कि बुने हुए चने आपने लेने हैं, जो बुने हुए चने होते हैं हमने वो लिए हैं, बुने हुए चने लाए उनको छिलके ऊपर से उतार के उनको पीस लीजिए। तो बिल्कुल आपने पीस लेना है और उसकी 4 चम्मच आपको बुने हुए चनों की आपको लेनी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से हमने इसकी 4 चम्मच इसमें ऐड कर दी हैं। सो गाइस, उसके बाद आपको जो सेकंड चीज इसमें ऐड करनी है वो आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। तो सिंपली आपने पंसार की दुकान पर जाना है और वहां से परचेज करनी है अश्वगंधा नागौरी। तो ये देख लें, आपने घर में लानी है और उसको पीस लेना है, तो 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देनी है। सो गाइस, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी रहेगी वो आपको इजीली किसी भी दुकान से मिल जाएगी, किराना स्टोर से मिल जाती है, पंसार से भी मिल जाती है, तो वो आपको लेना है ग्लूकोज। ये देखिए, ये ग्लूकोज है, तो आप वो सिंपली ये लेना है और इसकी सेम जितने हमने चने की मकदार ऐड की है सेम वही मकदार इसमें ऐड करनी है, यानी कि 4 चम्मच हमने चने ऐड किए हैं वो भुने हुए और पीसे हुए वो, और 4 चम्मच आपने ग्लूकोज की इसमें ऐड कर दी जो कि मैंने ऐड कर दी है। अब सिंपली गाइस हमको ये करना है कि जो हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है इसको हमने हिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से हिला के मिक्स कर लेता हूँ ताकि तमाम चीज़ें आपस में हल हो जाएँ। सो गाइस, बिल्कुल आप लोगों की आंखों के सामने हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, एंड भाई अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको यूज़ किस तरीके से करना है, वो भी आपने तमाम चीज़ें लिख लेनी है ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए, और ये 100% वर्किंग मेथड है जिससे आप बासानी अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। हे गाइस, सिंपली मिक्सचर जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, एंड अब बारी है इसको यूज़ करने के बारे में बात करने की कि भाई हमने इसको बना लिया, अब यूज़ किस तरीके से करना है। पेंसिल का भी पकड़ लीजिए, लिख लीजिएगा जैसा भी आपको मुनासिब लगे। अब इसमें ये चीज रहेगी मेरे भाई, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे जो 10 साल से ऊपर वाले लड़के हैं, 15 या 16 साल तक, 10 से 15-16 साल तक के लिए। अब आपने ये करना है कि आपने चाय का चम्मच, यानी कि जो बड़ा चम्मच होता है ना अपना खाने वाला, उससे थोड़ा सा चम्मच थोड़ा लेना है, यानी कि समझ लेंगे हाफ से थोड़ा सा ज्यादा चम्मच ले लीजिएगा, कोई भी आपके पास चम्मच है। तो अगर आपकी एज 10 से 15 साल है तो आपने इस मिक्सर की 1 चम्मच लेनी है सुबह शाम, सुबह भी खाना है एंड शाम को भी खाना है। अब खाने के बाद खा लीजिए या खाने से पहले, ये कोई मसला नहीं है।
ठीक है। तो सुबह शाम आपने एक चम्मच इस मिक्सर का आपने खाना विद आपने एक गिलास दूध का पीना है, ठीक है। और कोशिश करें कि दोपहर टाइम हो तो गाजर वगैरह का जूस मिल जाए ना, तो क्या चार चंद लग जाएंगे, आपने जरूर गाजर का जूस वगैरह भी पी लेना है। लेकिन एक चम्मच सुबह शाम 10 से 15 साल लड़कों के लिए, एंड उसके साथ एक मिल्क का गिलास जरूर आपने पीना है। अब उससे बड़े वालों के ऊपर आ जाते हैं जिनकी एज इनसे ज्यादा है या फिर वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, तो उनके लिए स्पेशल ये चीज रहेगी, एक चम्मच आपने लेना है पूरा चम्मच, यानी कि जो 10-15 वाले हैं वो समझ लें हाफ से थोड़ा ज्यादा चम्मच ले रहे हैं, आप पूरा चम्मच लेंगे, पूरा चम्मच सुबह शाम विद आपको मिल्क का गिलास एक पीना है बस, ठीक है। एंड दोपहर में सेम वही प्रोसीजर के आपको गाजर वगैरह का जूस आपने जरूर ड्रिंक करना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द ही आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे वजनी काम आप ना करें जिससे आपकी हाइट मुतासिर हो, यानी कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं जो कि हमारे कुछ लड़के वगैरह होते हैं भाई, वो 12-13 साल की उम्र में ही वो चल जाते हैं जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं और शौक शौक में लगे रहते हैं, फिर उनकी हाइट भी उससे काफ़ी मुतासिर होती है, या कुछ मजदूरियों वगैरह में लग जाते हैं वो हाइट वजन उठाते हैं तो उससे भी कुछ आपको असरअंदाज होना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करनी है, तो आपका जो आपकी हाइट है इंशाल्लाह वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारी जो रहेगी वो आप लोग ही कमेंट करेंगे, क्योंकि जो लड़कियां भी देखती हैं वीडियो, लड़के भी देखते हैं, लड़कियां कहेंगी कि क्या भाई हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, अगर आप लड़के हैं या कोई लड़की हैं आप बआसानी इसे यूज़ करें और अपनी हाइट को आप बआसानी इंक्रीज कर सकते हैं। मेरी इतनी सी मोहब्बत सिर्फ आप लोगों के लिए थी कि मैं आपको कुछ गाइड करूँ, आपको कुछ बताऊँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी पूछना इसके बारे में तो कमेंट कर लीजिएगा, और जिन लोगों को ज़रूरत है तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।